बस है ना बिरयानी को स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से अब मैं बेहतर हो गई हूँ। 5-6 दिन में बीमार थी इसलिए व्लॉग्स वगैरह नहीं बना रहे थे, सिर्फ आजकल सारा रील्स बना दिए। व्लॉग्स पे हमारा इतना ध्यान नहीं है, और आजकल ना मेरी ज़ुबान को पता नहीं क्या हुआ है। मैं लाइव करती हूँ कपड़ों का, तब भी मैं ना उल्टा उल्टा बोल रही होती हूँ, मतलब मेरी ज़ुबान ना लड़खड़ा रही है, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो, शायद उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं बूढ़ी तो नहीं होती जा रही। अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैं मलाइका कुछ अच्छा सा लगा देगी, वो नहीं थी हो ऐसे वाला। ठीक है, ये चेक कर ले मेरी मेहंदी मैं लगवा तो लेती हूँ, मगर जब वो उतरती है ना, इतनी कोई गंदी मेहंदी उतरती है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मगर खैर कोई बात नहीं, फैशन तो करना है ना, फैशन के बाद गंद भी सहना है, तो इसलिए मैं अपने गंदे गंदे हाथों को ले लेके फिर रही हूँ। तो आज मैंने क्या, मैं वो लोग शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि सना बोलती है कि तुम तो वो लोग बनाती नहीं हो। मैं ही बनाती हूँ, चैनल का नाम तुम्हारा है दुआ मलिक, ठीक है, और ना बनाती मैं हूँ। तो अभी ये साइड में से फिर बोलना शुरू हो गई है, मतलब व्लॉगिंग मैंने इसको सिखाई और ये मुझे सिखा रही है कि वेलकम बैक तो बोल दो, ये तो बोल दो, वो तो बोल दो। तो गाइज वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग्स, ठीक है, यहाँ से न्यू व्लॉग की स्टार्ट करते हैं। आप मुझे पैक देख रहे हैं, पैक इसलिए देख रहे हैं कि यहाँ पे टंडोल यार में इतनी सर्दी है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक है। हमने लोई ली हुई है, ठीक है, उसके बाद हमने कंबल भी लिया हुआ है, ये चेक कर ले, मैंने तो कंबल लिया हुआ है, ठीक है। और मलाइका क्या कर रही है मैं आपको दिखाती हूँ। मलाइका ना सूट बना रही है किसी का, मैं भी सूट बना रही हूँ, ये किसी का सूट है, ये बन जाए बस ना, मेरा ना दिल नहीं कर रहा इसको बनाने को, सच्ची बात बताऊँ, मगर फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि हमने लिया हुआ है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो अभी ये चेक कर लें, ये मलाइका ने बनाया। मलाइका बोली मेरा भी काम दिखाओ ना, मुझे भी दिखाओ, तो ये चेक कर लें। ये मलाइका ने बीच में मम्मा बोलने लगी थी तो मुझे व्लॉग को कट करना पड़ा, ये चेक कर लें, इतना कोई प्यारा काम लग रहा है ना ये वाला कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। मैं भी ऐसा बनाऊँगी, ये मैंने अपने पेज के लिए बनवाया। अगर आपको भी ऐसे सूट खरीदने तो यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, सिंध कलेक्शन के नाम से, और फेसबुक पेज है सिंध कलेक्शन के नाम से, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो करें और मेरे ड्रेस बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सना के पास। गाइज ये चेक कर लें, मैं कंबल में लेटी हुई हूँ, ये मेरे चारपाई का हाल है, ठीक है। तो गाइज ये सना है, सना देखें, ये जिसकी कमीज लेके बैठी हुई है ना, अगर उसने व्लॉग देख लिया तो इसको मार के जाएगी, बोलेगी चादर बनाया हुआ है क्या, रजाई ओढ़ी हुई है और उसके ऊपर कमीज लेके बैठी है। ये गाइज सना काम कर रही है, सना काम दिखाओ अपना। गाइज मेरा काम इतना अच्छा है ना जो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। तो गाइज ये काम कर रही है, ये झूठ बोल रही है, बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करती है, ये बस ऐसी ऐसी करती रहती है। और आज सना बनाने वाली है बिरयानी, वाह हमको मारो। तो गाइस आज सना बिरयानी बनाने वाली है, तो अभी बस सना बिरयानी को स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे का व्लॉग बनाते हैं। मैं बहुत बकवास करती हूँ इसलिए ना मैं अब ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाती, ठीक है गाइस बाय। मैंने बिरयानी का सामान काट रही थी, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ क्या क्या काट रही है, देखिए प्याज काट रही हूँ और टमाटर मैंने काट लिए, और इतने सारे आलू डालेंगे क्या, पता नहीं मम्मा तो ये रख के गई है तो यही डालेंगे, और ये मसाला भी कूटना है, और ये बिरयानी मसाला, गरम मसाला, ये भी गरम मसाला, और चीना मोटा, और ये है हमारे मटर, तो आज मटर वाली बिरयानी बनाएंगे यमी सी। तो ये सामान काट लूँ फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने ना प्याज ब्राउन करके उसके अंदर मटर और आलू डाल दिए, और यहाँ पे दुआ को बुलाया मसाले डालने के लिए, टमाटर के अंदर हमने मसाले डालते हैं, गाइस ये बिरयानी खाते रहते हैं और मुझे सुनाते रहते हैं कि इतनी तेज़ मिर्ची डाल दी, इतनी तेज़ मिर्ची डाल दी, तो मैंने दुआ से ही डलवा लिए, क्या अगर तेज़ भी हुई तो मम्मा दुआ को डाल देंगे। तो ये देखो मटर गाइस को मैं ला लूँ, जानी ऐसे करके पकड़ना, लाते हैं अच्छे से, और अभी इसके अंदर डाल देते हैं ये टमाटर वाला मसाला सारा। तो गाइस इसकी ना मैं बुनाई कर लूँ अच्छे से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। तो गाइस मैंने ना बुनाई वगैरह कर ली थी, और मैंने चावलों का पानी डाल दिया और चावल को भी वॉश कर लिया अच्छे से, और ये देखें
चावलों का पानी थोड़ा सा और पकने लग जाए, फिर इसके अंदर डाल देंगे हम चावल और फिर इसको दम लगा देंगे, फिर हमारी तैयार हो जाएगी मटर वाली बिरयानी। और आज मेरे बाबा भी आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा मटर वाली बिरयानी बना लेती हूँ उनके लिए। और पीछे रोने की आवाज़ आ रही होगी, वो दुआ की है, क्योंकि दुआ की आज बड़ी पटाई हुई है गैस। और इसके अंदर क्या है, रोसो गैस दलिया, ये मेरी मम्मा को अच्छा लगता है दलिया। तो अभी ये चावल डालते हैं, इसको दम शम करते हैं, देखते हैं बाबा कितने बजे तक आते हैं। मेरे ख्याल एक या डेढ़ घंटे में वो पहुंच जाएंगे। और देखिए मैंने किचन भी थोड़ा बहुत साफ कर दिया जितना मैं से हो सक रहा था। और एक चीज़ दिखानी थी आप लोगों को, और गैस कर लें हम बाजार गए थे और ना ही कोट लाए, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, मगर दो वालों को ही अच्छे लगे थे इसलिए ले लिए। मेरे को एक मेहरून कलर में पसंद आया था, मगर गैस वो इन्होंने नहीं लिए, तो ये पड़ा हुआ है। तो चावल भी दम लगा दूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गैस मैंने ना चावल में दम कर दिए, और यहाँ पर है ना मैंने आटा गूंदा है, अबू के लिए दो रोटियाँ पकानी है, तो ये दम कर दिए। तो ये 10-15 मिनट हो जाए, फिर इसको हटाएंगे हम, फिर आपको दिखाऊंगे मेरे हाथ की बिरयानी मटर वाली। और यहाँ पर क्या कर रही है मम्मा, आलू छील रही है, पता नहीं किसके लिए। तो यही सब चल रहा है, दुआ अंदर मोबाइल देख रही है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। हाय गाइस, तो ये दम हो गया, इसको बोलते हो कैसी बनी है बिरयानी। मैं तो देखूं गाइस कैसे देखूंगा इसको, बिस्मिल्लाह लग तो अच्छी रही है, अभी खा के ही पता चलेगा कि कैसी हो रही है। तो उसको अंदर लेके चलते हैं, प्लेटों में डालते हैं। इसको हम ट्रेन में डालते हैं गर्म गर्म बिरयानी को। देखें कितनी मियामी बनेगा, एकदम पहले भी मैंने बनाई थी, सबको इतनी अच्छी लगी थी ना बिरयानी, आपको क्या बताओ। तो मैंने कहा आज भी यही बना लेते हैं मटर वाली बिरयानी, कभी कुछ समझ में नहीं आता क्या पकाएं क्या नहीं पकाएं। सही है कि नहीं, की। तो गाइस बिरयानी बन चुकी है, सना ने बहुत वीआईपी बिरयानी बनाई है और मैं अभी खा भी रही हूँ। बिरयानी खा रही थी ठीक है, फिर उसके बाद अंदर बहुत मज़े की बनी है। यहाँ पर बैठे हुए लाइव करने के लिए रात हो गई ठीक है, बिरयानी खाने के बाद हमने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया ठीक है। ये सना है, सना ने चेंज वगैरह कर लिया था, और ये चेक कर लें ये ना कपड़े अभी हम लाइव में दिखाने वाले हैं आपको, मैं दिखा रही हूँ लाइव का, ऐसे होता है हमारा लाइव कपड़ों का। और अगर आपको भी हमसे कपड़े खरीदने तो नीचे मेरा आ रहा है इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर लें और वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं जल्दी से लाइव करते हैं, लाइव के बाद आपसे। तो आप लोगों ने देखा था मैंने बिरयानी बनाई थी मटर वाली, माशाल्लाह उससे बहुत ही प्यारी बनी थी और सबों को बहुत ही अच्छी लगी थी। और गैस यहाँ पर इतनी सर्दी है ना, क्या बताऊँ, मेरे ताई के अंदर बैठी हुई है और इतनी सर्दी लग रही है, मेरा हाथ है ना वो बर्फ़ बने पड़ेंगे। क्या कर सकते हैं, इतनी सर्दी है, पता नहीं दूसरे शहरों में ही है या हमारे शहर में ही है। तो इस व्लॉग को एंड कर देते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Thank you.